दोस्तों, जब हम एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सभी की चाहत होती है कि उसमें कुछ अर्निंग हो। पर दोस्तों, अर्निंग के काफी सारे स्रोत हैं, जैसे कि आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल करा सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत बहुत तरीके हैं। आप उस पर बुक सेलिंग कर सकते हैं या बहुत चीज कर सकते हैं। पर दोस्तों, सबसे मेन है गूगल एडसेंस से अप्रूवल। इससे काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है और ये काफी जेन्युइन भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही जल्द मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना इस टाइम काफी कठिन हो चुका है, कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण आप सभी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। करीब 1 ईयर 2 ईयर पहले गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही जल्द मिल जाता था। उसमें ट्रैफिक हो या फिर नहीं हो, अच्छे से सेटअप हुआ है या फिर नहीं, फिर भी मिल जाता था। पर इस टाइम काफी चीज चेक किया जाता है और आप सभी को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों, साथ ही कुछ इरर आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर के, मेरे व्यूअर के, और वो कमेंट करके बताएं कि क्या क्या इरर आ रहा है। तो दोस्तों, वो चीज भी हम इस वीडियो में आपको पहले बता देते हैं कि ये इरर क्यों आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। जो कमेंट है मिस्टर डेविल की तरफ से, हेलो ब्रो, मेरा एक मसला है कि एडसेंस अप्रूवल हो गया है और अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही $10 कंप्लीट हुआ, एडसेंस रॉन्ग क्लिक की वजह से बैंड हो गया और अब ओपन भी नहीं हो रहा है और एड्रेस वेरीफाई भी नहीं हो पा रहा है। पेमेंट भी कट गया है और पेमेंट होल्ड है अभी तक। काइंडली हल बताओ। तो दोस्तों, अगर आपके पास $10 हो या फिर $100 हो, कभी भी एडसेंस का पेमेंट होता है वह महीने के खत्म होने के बाद आता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन दिनों में अगर इनवैलिड क्लिक की वजह से एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया टेम्प्रोली या फिर बैंड हो गया है, तो आपको वो पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे वो जितना भी डॉलर उसमें है, टोटली उस पे 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पूछा है इन्होंने, $10 हुआ था और एड्रेस वेरिफिकेशन उस टाइम दिया जाता है, तो दोस्तों उस टाइम वो चीज भी आपका नहीं काउंट होगा और $10 जो आपका हुआ है वो मंथ के लास्ट में कट जाएगा और उस पर 0 हो जाएगा। तो इनवैलिड क्लिक आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी गूगल और एडसेंस बहुत ही ज्यादा चेक करता है, अपनी सिक्योरिटी को कड़ा किया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं एडसेंस अप्रूवल टिप्स की ओर। पहला टिप्स है, आपको रेगुलर पोस्ट देना है जब तक कि आपको एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल जाता है। दोस्तों, रेगुलर पोस्ट में अगर आप वन डे में पोस्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली वन डे में पोस्ट करते रहें। अगर आप 2 डेज के अंदर पोस्ट कर रहे हैं तो 2 डेज में करते रहें। इससे गूगल एडसेंस को, एडसेंस के टीम को ये पता चलता है कि ये बंदा लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहा है और काम करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी चीज, दोस्तों, गूगल एडसेंस कभी भी नहीं ये बताता है कि आपको पोस्ट कितने वर्ड का करना है। मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था ये टिप्स की और उसपे दोस्तों मैंने एक पोएम का वेबसाइट है जो blogspot.com से ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, और उसपे आप दोस्तों देख सकते हैं कि काफी कम ट्रैफिक, काफी कम पोस्ट और काफी कम वर्ड होने की वजह से भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला। तो दोस्तों, इसका कारण है कि ब्लॉग के टाइप पे ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग के पोस्ट पे कितने वर्ड होने चाहिए। अगर आपका एक पोएम से रिलेटेड वेबसाइट है और दोस्तों उसमें बोला जाएगा कि आप 1000 वर्ड होना चाहिए एक पोस्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका 1000 इतने लंबे पोएम हो सकते हैं। अगर आपका शायरी से रिलेटेड वेबसाइट है तो उसमें भी इतने वर्ड नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप के ब्लॉग हैं और उस पर कितने वर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट जो टिप्स है, आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट में जो कुछ पेजेज का होना बहुत ही जरूरी है, जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेज क्रिएट होने के साथ साथ
ये आपके वेबसाइट या फिर ब्लॉग के टॉप पे आना चाहिए, टैब हो, और उस पे क्लिक करने के बाद ये सारे पेज आपको दिखने चाहिए। उसके बाद दोस्तों इमेजेज, इमेजेज आपको कहाँ से लेना है और कैसे इमेज यूज करना है। तो दोस्तों आप गूगल से कोई भी इमेज को डाउनलोड करके उसको अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग में कभी भी पब्लिश न करें। अगर आपको गूगल से ही इमेज लेना है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद कुछ उसमें क्रिएटिव वर्ड या फिर कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखाकर उसको एक नया ढांचा देकर उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री में जो इमेजेज देते हैं उन सारे वेबसाइट से आप इमेज डाउनलोड करके अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये चीज भी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी काफी ज्यादा लॉस होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जो टिप्स हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल ही गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिल जाएगा, और साथ ही अगर कुछ भी आपको एरर आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।